फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोनोमे रेसिपीज़। आज मोनोमे रेसिपीज़ में हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जैसे कि आप देख ही रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये गुलाब जामुन जो है वो बनाने वाले हैं ब्रेड से। तो ये झटपट से ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी मेरे साथ देखिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है। यूजुअली हम लोग गुलाब जामुन बनाना रहता है तो सोचते पता नहीं कैसे बनेंगे, खोया लेके आना पड़ता है, या फिर हम लोग मिल्क पाउडर से बनाते हैं, या तो हम लोग मैदा से बनाते हैं। कभी कभी अंदाज़ा भी हमारा सही से नहीं बैठता है, कभी कभी फूट भी जाते हैं। लेकिन आप ये वाली ब्रेड वाली अगर ट्राई करोगे ना, तो ये नो फेल रेसिपी है फ्रेंड्स। खाने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, सेम आपको वही टेस्ट देगा जो आप मैदे के या खोए के बनाते हैं, बट बनाने में तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट गिने चुने इन्ग्रीडियंट्स से बन जाते हैं। ब्रेड तो नॉर्मली अवेलेबल ही रहती है सबके घर में, तो अगर कोई गेस्ट आ जाए और हमें लगे कि क्या सर्व करें उनके लिए, तो फटाफट से ये गुलाब जामुन आप बना लीजिए। इसके लिए मेरी रेसिपी को तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक ऐसी में नई नई सी रेसिपीज़ पहुँचाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शुगर सिरप बना लेंगे। तो इसके लिए जो है, हम लोग ले लेंगे एक कप भर के चीनी। मैंने मेरा सेट कर रखा एक कप, तो उतना मैं चीनी ले रही हूँ, और उसी में मैं डाल दूँगी डेढ़ कप पानी। तो इसमें मैंने डाल दिया है डेढ़ कप पानी, और जो है हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। और हम लोग जैसे नॉर्मल गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप बनाते हैं, हम लोग वैसा बना लेंगे। तो जब तक ये सिरप बन रहा है, आइए हम लोग जो है वो पहले ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस। अब जो है हम इनके किनारे जो है वो निकाल लेंगे। किनारे निकाल के हमें जो है इसका ब्रेड क्रम जैसे बना के लेना है मिक्सी में। मैं इसके 1/4 पीसेस कर लेती हूँ, और फिर जो है हम लोग इसको मिक्सी के जार में इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। चाशनी जो है वो बहुत अच्छे से उबल चुकी है। अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से इलायची। मैं ऐसे इसको थोड़ा सा तोड़ के डाल रही हूँ। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, केसर डालना चाहे तो आप केसर डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद है सिरप, उस हिसाब से आप इसमें सब चीज़ें डाल सकते हैं। और ये डाल के भी हमें इसे अच्छे से उबलने देना है, ताकि इलायची का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से इसमें मिल के आ जाए। और मैं इसमें ना बस 1 से 2 ड्रॉप दूध डाल रही हूँ, ताकि इम्प्योरिटीज़ जो है वो सारे साइड में निकल के आ जाए चीनी की। आप चाहिए तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं, क्योंकि शुगर में कभी कभी वो गंदगी होती है, तो वो सारी हट जाती है। तो इसे अच्छे से उबलने देते हैं। तब तक जो है मैं ये मिक्सी में ये इसे क्रम कर लेती हूँ। इसका बहुत अच्छे से क्रम हो चुका है। अब ऐसे ही मैं बाकी पीसेस का भी कर देती हूँ। क्रम पूरा मैंने बना लिया है, और यहाँ देखिए शुगर सिरप भी बहुत अच्छे से बन चुका है, और ये जो हमने दूध डाला था उसके वजह से जो इम्प्योरिटीज़ आई है, अब हम इसे ऐसे सब निकाल देंगे। कभी कभी अगर चीनी हमारी साफ़ हो तो ये स्टेप हमें नहीं करना पड़ता है, बट अगर चीनी थोड़ी गंदी लग रही हो तो हम इसे फॉलो कर लेंगे। तो शुगर सिरप जो है वो मैंने निकाल दिया था, हटा दिया था। एंड यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल, जिसमें मैं गरम कर रही हूँ, जिसमें हम लोग जो है गुलाब जामुन अपनी फ्राई कर लेंगे। तो अब जो है ये क्रम है, इसमें हम लोग डाल देंगे 1 टेबलस्पून, बड़ी टेबलस्पून के आसपास मिल्क पाउडर। और उसके साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें इसे अच्छे से गूंथ लेना है, नॉर्मल डो की तरह, जैसे गुलाब जामुन का आटा हम लोग लगा लेते हैं ना सेमी सॉफ्ट सा, वैसे। ब्रेड में ऑलरेडी मॉइस्चर होता ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे दूध में गूंथ लेना है। तो मैंने लगा दिया है, ब्रेड जो है वो दूध अब्जॉर्ब करता रहता है,
तो उस हिसाब से आप इसको मतलब दूध डाल के इसको थोड़ा आपको घोटना है अच्छी तरह से। अब इसे हम लोग जो है गोल गोल गुलाब जामुन का शेप दे देंगे और बस मैं इसको दबा के इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता रख रही हूँ। आपको मतलब जो ड्राई फ्रूट चाहिए आप उसके अंदर रख सकते हैं, किशमिश रख दीजिए, काजू रख दीजिए, जो भी चाहिए आप रख सकते हैं, या आपको कुछ भी नहीं रखना तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसको। आपको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ के आप ऐसे बॉल्स बना लीजिए और फिर हम जो है इसे फ्राई कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही सारे जो है वो बॉल्स बना के रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ बॉल्स मैंने बना ली है एंड ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब जो है हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एंड गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और फिर हम लोग जो है इन्हें डाल देंगे शुगर सिरप में और शुगर सिरप को भी एक बार हम लोग फिर से बॉईल कर लेंगे। अब जो है चाशनी को शुगर सिरप को मैंने वापस थोड़ा सा गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं ये जो गुलाब जामुन है इन्हें मैं डाल दूंगी एंड हमें इन्हें फ्राई करना इन्हें इसी के साथ उबाल लेना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सिरप जो है वो अच्छे से अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। शुगर सिरप जो है वो गर्म ही होना चाहिए फ्रेंड्स। अब मेरा ये था कि मैं इंडक्शन पे कर रही थी इसलिए मैंने शुगर सिरप अलग से निकाल के रखा था, इसलिए वो थोड़ा ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से इसे गर्म करा है। अगर आप चाहे तो अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड आप शुगर सिरप रखिए और एक साइड आप फ्राई कर लीजिए। देखिए गुलाब जामुन जो है वो साइज़ में फूलने लगे हैं। इन्हें अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है कम से कम 5 मिनट के लिए और गैस बंद करके हम इन्हें ढक लेंगे एक 15-20 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैं ये बंद कर देती हूँ और इन्हें हम लोग जो है वो ढक देंगे एंड एक 5 to 10 मिनट्स के लिए हम लोग इन्हें ऐसे ही ढक के रख देंगे। उसके बाद हम लोग इन्हें चिल कर लेंगे फ्रिज में एंड सर्व कर देंगे। लग ही नहीं रहा है ना, मतलब कोई कह नहीं सकता कि आपने ये ब्रेड से बनाए हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, सेम गुलाब जामुन का टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मैं इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर हम इन्हें प्लेट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, झटपट से बनने वाले ब्रेड के गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं और इन्हें मैंने प्लेट भी कर दिया है। लग रहे हैं ना बिल्कुल नॉर्मल गुलाब जामुन की तरह, कि जैसे हमने कोई खोया यूज़ करके या मैदा यूज़ करके बनाए, और टेस्ट में भी सिमिलर ही टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही झटपट से बनने वाली है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी रेसिपी इसको फॉलो करते रहिए। बाय बाय।